बागपत के डिकॉली गांव में मरीजों के इलाज के लिए यही स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। ये तस्वीरें सरकार के दावों पर करारा तमाचा है। कागजों और सरकारी सिस्टम में ठिकौली गांव में रहने वाले 28,000 बाशिंदों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कैसे, ये आप आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट से समझ सकते हैं। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत पे डिकोली गांव में मौजूद हूं और इस डिकोली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांवों में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। सोचिए, आंकड़ों में इसी हेल्थ सेंटर में इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ का नजारा और स्थानीय लोगों की आप बीती पूरी कहानी बयां कर रही है। इन गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल का, किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है। यहाँ से जो अस्पताल खंडर में बना हुआ, पहले सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल की जमीन है ये, कागजों में सरकारी अस्पताल दर्ज है ये। 25 साल पहले इस गांव में इस जगह पे, इस हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर बैठता था। यदि गांव में किसी को बुखार हो जाता था, चोट लग जाती थी, तो वो यहाँ पर आता था, प्राथमिक उपचार केंद्र। लेकिन 25 साल बाद आज इसकी स्थिति देख ली। और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब बात ये होता है, यदि 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर था, तो आज यहाँ एक पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए थी, एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए थी, दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। दस्तावेजों में भी ये जमीन अस्पताल के लिए आवंटित बताई जाती है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में ढिकौली गांव की ये प्राथमिक उपचार केंद्र की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बिल्डिंग के बाहर गोबर का ढेर है और अंदर गांव के लोग भैंसों को खिलाने वाला भूसा भरकर रखते हैं। स्थिति यहां पर गोबर का ढेर है और जो ये खंडहर है, इस खंडहर के अंदर भी पूरी तरीके से भूसा, जो खंडहर है, खंडहर का कमरा है, उसके अंदर भूसा रखा हुआ है। और जिस तरह से गांव के लोगों का दावा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, और जितने लोगों की मौत हुई है उनको कुछ दिन बुखार आया है, बुखार आने के बाद फिर उनकी मौत हुई है, लेकिन जो शासन है, प्रशासन है, वो गांव में किसी तरीके की टेस्टिंग नहीं करा रहा है। और जो प्रशासन है उसकी पूरी तरीके से गांव की बेरुखी है। इनका ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि जो शासन प्रशासन ये मान चुका है कि गांव में लोग रहते ही नहीं है, सिर्फ शहरों में रहते हैं। तो ये स्थिति है बागपत के ढिकोली गांव की। गांव के लोगों का दावा है कि अप्रैल महीने से लेकर अब तक गांव में बुखार से अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये यहाँ से बुखार आया था, बुखार आने में वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से उसकी सांस आने में वो परेशानी बनी हो, यही हुआ। बुखार तो एक दिन आया जी। ढिकौली गांव में रहने वाले रतनलाल की पत्नी की मौत कुछ दिन पहले हुई। रतनलाल के मुताबिक उनकी पत्नी पूनम को बुखार आया और हालत बिगड़ी, जिसके बाद दम निकल गया। ऐसी दर्दनाक दास्तां सिर्फ रतनलाल की नहीं है, बल्कि गांव के कई लोगों की है। गांव वालों का कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे है। हमारे यहाँ इतनी आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक एक MBBS यहाँ पे प्रैक्टिशनर नहीं है, RMP यहाँ पे नहीं है, BAMS 2-3 डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेद के हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जो बोर्ड द्वारा स्थापित हुआ था, उसकी जर्जर हालत है। उसमें ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई बेड है, ना कोई दवाई है। गाँव वालों का आरोप है कि कोई सुविधाएं नहीं है। जब हमने जिले के कलेक्टर राम कमल यादव से यही सवाल पूछा, तो उनका जवाब सुनिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समुचित उपचार की व्यवस्था है। जनपद में अभी वर्तमान में 6 L2 फैसिलिटीज चल रही हैं, जिसमें हमारी CSC सरूरपुर है, CSC खेगड़ा है, और हम लोग एक 250 बेड का हॉस्पिटल फैसिलिटी आर्यवर्त इंटर कॉलेज में डोला में बना चल रही है हमारी। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन गांव की जमीनी हकीकत एकदम अलग है।